हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से यहाँ आ गया, और मैं बोलूँ कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, तो मान लो मैं ग्रेविटी के केस में क्या है, एम जी नीचे है, ग्रेविटी की फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स कहाँ लग रही है, वो नीचे लग रही है, बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर है, तो ये बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच, समझ में आ रही है बात, तो डेल्टा यू क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब एम जी एच माइनस जीरो, मतलब एम जी एच, सही है, डेल्टा यू आ गया। और अगर मैं ये बोलूं कि W इज वर्क डन बाय ग्रेविटी या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी ऊपर लेके जाने में, माइनस एम जी एच। और डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस W, तो ये वर्क डन किसने किया, बाय ग्रेविटी, ये मैंने नहीं किया, अगर मैंने किया होता मैं प्लस लगाता, ग्रेविटी ने किया तो ये माइनस लगेगा, तो डेल्टा यू हमने क्या निकाला, एम जी एच, वर्क डन हमने क्या निकाला, माइनस, तभी तो इक्वेशन सेट बैठेगी इक्वल टू, माइनस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसल, ये बात समझ में आई। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू, लेकिन याद रहे कि यहां पर जो फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन भी कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये रिजल्ट तभी लागू हो सकता है अगर ये वर्क डन किसने किया, कंजर्वेटिव फोर्स ने, लेकिन अगर मैंने किया तो ये यहां पर क्या कर देना है, प्लस, ये खेल खेले जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कंजर्वेटिव ने वर्क डन किया कि मैंने किया, दोनों में आंसर में नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। और कई लोग तो ऐसे भी करते हैं, पूरी फिजिक्स एक्सटर्नल लेके कर देते हैं, कहते हैं मैं ही करूंगा वर्क डन, ग्रेविटी को छोड़ो, और क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि वर्क डन में ग्रेविटी, वो कहते हैं जो मेरा वर्क डन उसका नेगेटिव लगा दो, आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये भी सही है, क्योंकि मेरा वर्क डन और ग्रेविटी का वर्क डन तो हमेशा उल्टा ही होगा, माइनस का फर्क तो होगा ही होगा, माइनस तो होगा ही होगा, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस का फर्क है, वो तुम्हारी इच्छा है तुम कैसे काम करते हो। तो पहली डेफिनेशन क्लियर है, और ये डेफिनेशन कब चलेगी, जब वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। अब आगे डेल्टा यू का मतलब क्या है, यू एफ माइनस यू आई, लिख लिया। नेक्स्ट है, यहां इक्वेशन को छोड़ दो, रुक जाओ, आप याद करो मैंने आपको वर्क डन का एक फॉर्मूला करवाया था, एफ टी एक्स की इंटीग्रेशन, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, फॉर्मूला तो ये हमेशा चलता ही है। तुम इस वर्क डन के फॉर्मूले को यहां पुट कर दो, तो आपके पास ये टर्म आ गई, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला पुट कर दिया, तो ये डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, क्लियर है यहां तक, ये इक्वेशन क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसी खेल ही खेल रहे हैं, पहले ये लिख दिया, फिर डब्ल्यू को ये लिख दिया, फिर इसकी जगह ये लिख दिया, एक ही बात है, ठीक। और लास्ट डेल्टा यू की वैल्यू मैंने लिख दी, इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करूं, डी बाई डी एक्स और यहां पर भी डी बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अफेक्ट कैंसिल हो सकता है, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल होते हुए अंदर क्या आंसर देगा, सिर्फ एफ, एफ ऑफ एक्स। अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूं तो ये टर्म क्या बन जाएगी, डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यू की डिफ्रेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, और अंदर से क्या निकल के आएगा, एफ। तो ये सब कहां से आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से चलता आ रहा है, और फाइनल रिजल्ट आएगा एफ इज इक्वल टू एक्स, का मतलब है इट डिपेंड्स अपॉन एक्स, इट कैन बी वेरिएबल, आप एक्स को छोड़ो, फाइनल आंसर क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। ये प्रूफ आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, ना स्कूल में, ना कॉम्पिटिशन में, कहीं नहीं, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते थे, क्योंकि मैं आपको रेगुलर ये फॉर्मूला यूज करूंगा, आपकी किताबों में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फोर्स और एनर्जी का रिलेशन है F इज इक्वल टू माइनर डी यू बाई डी एक्स, फॉर्मूला रजिस्टर में नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस टू तक आपका साथ देगा, प्लस टू तक, जब जब पोटेंशियल एनर्जी आएगी ये फॉर्मूला आप हमेशा याद किया जाएगा, F इज इक्वल टू माइनर डी यू बाई डी एक्स, F इज इक्वल टू माइनर डी यू बाई डी एक्स। लेकिन ये भी याद रहे इंपॉर्टेंट,
ये फॉर्मूला सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही चल पाएगा, फ्रिक्शन के लिए नहीं चल पाएगा। इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ किसके लिए? कंजर्वेटिव के लिए। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एनर्जी की वैल्यू, मान लो वो कहेगा कि माइनस टू एक्स है, बहुत जगह कम से कम नहीं तो 50 बार यूज होगा 2 साल में, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा अच्छा नहीं लगता, आप कहोगे कहाँ से आया, मैं क्या बोलूँगा, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया, रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी आपको करने की। तो इसके अंदर u इज इक्वल टू माइनस टू एक्स न्यूमेरिकल में गिवन होगा, वो कहेगा कि कंजर्वेटिव सिस्टम है गिवन है, तो बोलो उसमें फोर्स क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, माइनस डी यू बाय डी एक्स कर देना, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ u, u की जगह कितना, माइनस टू एक्स। तो सॉल्व करें, डिफ्रेंशिएट करें, सीधा आंसर क्या आएगा, 2 न्यूटन। क्या सही चीज़ है ना, एनर्जी गिवन है वेरिएबल और सीधा फोर्स कैसे निकलेगी कंजर्वेटिव, 1 मिनट में आंसर आता है। फोर्स और एनर्जी का रिलेशन है ये, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक? फॉर्मूले की एप्लीकेशन आएगी, फॉर्मूला कहाँ से आया नहीं आएगा। तो जो प्रूफ है नॉट रिक्वायर्ड, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आपको फॉर्मूला क्लियर है, सफिशेंट है, ठीक है।